हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाना हूँ एक पावर बैंक जिसकी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है। और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तुरंत से स्टार्ट करता हूँ। इसी की मेकिंग में मुझे पूरा 2 से 3 दिन लग गए हैं। तो चलिए वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सिंपली दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो MDF बोर्ड या प्लाई बोर्ड या कार्डबोर्ड का कट पीस जो आप अपने शेप से बनाना चाहते हो, मतलब सेज साइज आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो वो। और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगा, या तो आप ग्लू गन ले सकते हो, सुपर ग्लू गन ले सकते हो, या जो फेविकोल आता है आप उसका भी यूज कर सकते हो। यही दो इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बाहर लेकर के जाते हो, ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हो, तो इसका बैकअप तो काफ़ी अच्छा है ही, साथ ही साथ ये बन भी काफ़ी जल्दी जाता है। यहाँ पर फेविक्विक की हेल्प से मैंने यहाँ पर चिपका ली, जिसे आप लोग सुपर ग्लू भी कहते हो। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने कुछ होल्स भी कर दिए हैं। और सिंपली ये होल मैंने क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक सिंपली पावर बैंक का मॉड्यूल, जो 1 एम्पियर 2 एम्पियर को पावर सप्लाई यूज होता है। बाहर चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर चार्जर केबल तो नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर सोलर पैनल का यूज करने वाला हूँ। और ये सोलर पैनल मैंने परचेज किया था मेकर बाजार से, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। 20% काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कनेक्शन समझेंगे। यहाँ पर दो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर लगी हुई थी LED जो 5 वोल्ट की रहती है, और यहाँ पर है एक स्विच जिससे हम इसे पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जो लाइट्स को ऑन करने के लिए होता है। लेकिन हम इसे अंदर में लगा देंगे प्लाईवुड के अंदर पर तो ये काम नहीं करेगा, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा स्विच यूज कर रहा हूँ। और इसे सोल्डर करने के लिए मैं यहाँ पर वायर का यूज करूँगा, जो कि नॉन कॉपर वायर होगा, जो नॉर्मली जो हमारे वायर्स पर निकला हुआ रहता है मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। तो इसका कनेक्शन करते हैं और इसके बाद समझते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एक LED लाइट, जो कि कोब LED लाइट है। इसका जो ब्राइटनेस होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर सिंपली नॉर्मली LEDs लगाए जो टॉर्च पर लगती है, तो उससे ज़्यादा हाई ब्राइटनेस मिलेगा हमें इस वाले लाइट पर। तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फेविक्विक से चिपका देंगे। अब ये अच्छी तरह से चिपक गया है। यहाँ पर मैंने सिंपली इसका कनेक्शन भी कर दिया है। एक प्लस और माइनस को मैंने कनेक्ट किया है, जो कि LED का यहाँ पर माइनस और प्लस दिखाया गया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखिए, नीचे वाला पॉइंट हमारा प्लस रहेगा, ऊपर वाला हमारा माइनस रहेगा। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर दो मोबाइल की बैटरी। एक मोबाइल की बैटरी हमारा 2000 mAh का है, तो दोनों मिलके हमारा हो जाएगा 4000 mAh का। और आपको पता है 5000 mAh का हमारा मोबाइल बैटरी होता है, लेकिन हम इस पर पावर सप्लाई अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली इसे आपको पैरेलल कनेक्शन कर देना है। और पैरेलल कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो पॉइंट हमारे बचते हैं, जो हमारे सोलर पैनल के हैं। तो सोलर पैनल का कनेक्शन हम डायरेक्ट मॉड्यूल के साथ करेंगे और बैटरी का भी। अब बैटरी का कनेक्शन में यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से किया है। ये बैटरी का प्लस है, जिसे मैंने मॉड्यूल के प्लस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि ये जो लाइट है ये जलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा लो जलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे इसे ऑन करता हूँ तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। तो इसे बढ़ाएंगे कैसे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर देखने को मिल जाएगा, SMTA रजिस्टर, जिसे हम अगर शॉर्ट करते हैं तो लाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज रजिस्टर से कनेक्शन किया गया है, क्योंकि इस पर जो पहले LED लगी हुई थी वो 5 वोल्ट पर वर्क नहीं करती थी, वो 3 पॉइंट पर वर्क करती थी। और 3 वोल्ट पर देने पर ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए रजिस्टर का यूज किया गया। तो हम रजिस्टर को तो रिमूव यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे सिंपली शॉर्ट कर देंगे जम्पर वायर की हेल्प से और इसे फिर कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसे शॉर्ट करता हूँ और आपको कनेक्शन के बाद मिलता हूँ। अब यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ
तो मैं कैमरे को इसलिए जूम कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी ऐसा फेक ना लगे कि मैं यार आपको कोई कनेक्शन मिसिंग कर दिया हूँ, मैंने आपको नहीं बताया हूँ। तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे बताओ अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो सभी जगह पर आप मुझे जाकर के कमेंट कर सकते हो। और व्हाट्सएप पर मैं हमेशा लाइव रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ, तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो आपको मैं दूर करके बताऊँगा। तो आप जो इसका बाहर का जो पार्ट था, मतलब जो इसका कवर था, उसे हम इस पर लगा देंगे और इसे फेविक्विक से चिपकाने के बाद हम इसे फुल्ली टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो अभी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरके न्यू अपडेट चैनल जो हमारा है, आरके अपडेट चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पर मैंने उसका भी लिंक दे दिया, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है वीडियोस की आने की। अब आपने इसका शॉर्ट देख लिया और ये सोलर पावर बैंक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने HGC का मार्किंग भी बना दिया जो हमारे हेल्प गुरु चैनल का शॉर्ट नेम है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। इसे चार्ज करना काफ़ी आसान है और आप इसे मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर में इसे आप फुल चार्ज कर लोगे। मैंने इसे शाम में फुल चार्ज किया था और ये अभी 100% फुल चार्ज हो चुका है। आप इससे बहुत अच्छी तरह से पावर बैंक को इसे यूज कर सकते हो और आप एक साथ आप इसमें दो चार्जर को यूज कर सकते हो, मतलब दो मोबाइल को एक साथ आप लगा सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी जो लाइट है, फ्लैश लाइट है, उसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो आप इसे रात में यूज करोगे। चलिए चलते हैं बैकग्राउंड पर। यहाँ पर मैंने सिंपली बैकग्राउंड को मैं ले आया हूँ। अब मैं टॉर्च को स्टार्ट करता हूँ। इसकी जो लाइट है, टॉर्च बोलो या इमरजेंसी लाइट बोलो, आपकी मर्जी है, मैं फ्लैश लाइट से बोलता हूँ। और इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रही उससे ज़्यादा आपको आपको अपने आँखों से दिखेगा। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, मैं देखिए आपको मैं सभी तरह से एंगल से दिखाऊंगा। मैं 360 डिग्री पर भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, मतलब कैमरे को पूरा मैं रोटेट कर दूंगा और आप यहाँ पर रोटेट को देख लो, कोई भी लाइट और कहीं पर भी नहीं जल रहा है। वरना आप लोग सोचो कि बाहर से मैंने कोई लाइट को मैं जला रहा हूँ और उससे आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। तो लाइट की बात करें तो काफ़ी अच्छी लाइट है। लाइट सिर्फ जलाते हो तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे अच्छी तरह से ये ग्लो करेगा, क्योंकि 100% फुल चार्ज होगा। तो अब मैं आपको इसे स्मार्टफोन को चार्ज करके दिखाऊंगा, चाहे आपके पास कोई फ़ोन हो। फिलहाल मेरे पास सिंपली दो फ़ोन है। एक है ये छोटा वाला लावा मोबाइल, जो ये काफ़ी छोटा है, कीपैड फ़ोन है। दूसरा भी हमारा कीपैड ही फ़ोन है, लेकिन वो थोड़ा इससे ज़्यादा वर्जन का है, जिस पर आपको पावर बैंक का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसकी फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा इसके फंक्शंस के बारे में, ये किस तरीके से काम करता है आपको देखना है। ये जो मैं प्लग लगा रहा हूँ ये 2 एम्पियर के लिए है और जो लेफ्ट साइड में दिया गया है वो है 1 एम्पियर के लिए। तो मैं इसे सबसे पहले चार्ज में यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप किया क्योंकि चार्जर लगाने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए पावर बैंक आपको 100% आपको शो हो रहा होगा। मैं अभी आपको दोनों मोबाइल पर भी आपको मैं दिखाऊंगा इसकी जो जो चार्जिंग शोइंग जो इंडिकेटर है उसे मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं अभी दूसरे वाले को कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन को, और इस पर भी देखिए चार्जिंग कनेक्टिंग लिखा गया है। मैं पावर बैंक को अपोजिट कर देता हूँ क्योंकि इसका जो केबल है वही मैंने उल्टा लगा दिया है। अब मैं आपको एक एक करके दोनों को चेक करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले बड़े वाले को देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर साफ साफ आपको इंडिकेटर लाइट आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको क्वालिटी नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, 180 पर सेट कर दो, 1080 पर आपको शो हो जाएगा अच्छी तरह से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे आपको पावर बैंक मॉड्यूल पर आपको शो हो चुका है और ये छोटा वाला कीपैड फ़ोन है जिस पर आपको 100% तो आपको लो क्वालिटी पर भी आपको शो हो रहा है। और मैं आपको इसे भी दिखा देता हूँ, देखिए 1% भी अभी तक कम ये नहीं हुआ है, लगभग 1 मिनट हो गए हैं और 1 मिनट के अंदर पर कोई भी यहाँ पर परसेंटेज कम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4000 एम्पियर का यूज़ किया है बैटरी के लिए। भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतना सस्ता पावर बैंक अभी तक कोई बना करके नहीं दिखाया होगा। लाइट फैसिलिटीज को मैंने अपग्रेड कर दिया है, इस पर जो एक सिंगल लाइट लगी हुई रहती थी उसे मैंने चेंज कर दिया। लाइट की बात करें, लाइट जबरदस्त है, 100% फुल चार्जिंग होगा। आप इसकी हेल्प से मोबाइल को 5 बार फुल चार्ज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे किसी के साथ न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, मेरे हाथ में तो ये है, जय भारत।